T20I रैंकिंग्स की जहां तक बात करें और अगर इसमें ऑलराउंडर कैटेगरी की बात करें तो इसमें कई ऐसे नाम हैं जी हाँ, जो बहुत छोटे देशों से बिल्कुल आते जी हैं, हाँ जिनके बैच बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इनके बारे में बात किसी ने नहीं की। चंद ही लोग इनके बारे में बात करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जब भी आईसीसी की कोई रैंकिंग्स आती है तो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में कॉम्पिटिशन कराया जाता है। विलियमसन ने इसको पछाड़ दिया, विराट ने उसको हाँ पछाड़ जी दिया, स्मिथ हाँ ने इसको पछाड़ दिया, ओवरटेक कर बावर ने दिया, इसको पछाड़ बॉलर दिया। आ ऐसा लग गए, रहा है कि ये चार लोग ही क्रिकेट बस खेलते हैं, बस बस रैंकिंग की जहां तक बात है, और बाकी कोई क्रिकेट खेलता ही नहीं है। T20I में ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में टॉप 10 जो प्लेयर हैं आईसीसी की रैंकिंग के हिसाब जी से, हाँ उनमें ऐसे कई शॉकिंग नेम हैं जिनके बारे में लोग बात भी नहीं करते, जिनके बारे में आईसीसी भी तवज्जो नहीं देता, ना लोग कहते हैं कि हाँ ये लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रीजन सिर्फ एक कि बहुत ही छोटे नेशन से आते हैं, उनका ज्यादा क्रिकेट होता नहीं है, तो और कौन फिर देखता कहीं है। ना कहीं फिर वो भी हो जाता है कि छोटे देश के हैं तो हम अपने साथ क्यों रखें, जी और उनका हाँ, नाम क्यों लें, ईगो कह सकते हैं बहुत इसे। बड़ा ईगो रहता है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो टॉप 10 ऑलराउंडर्स आईसीसी की T20I रैंकिंग्स में कौन कौन से हैं, ये नाम सुनने के लिए आप तैयार रहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसमें एक देश ने बहुत ज्यादा शॉक किया है जो नहीं है इसमें। जी हाँ, एक ऐसा देश है जो इस टॉप 10 रैंकिंग में नहीं जी है। छोटे हाँ देशों में बिल्कुल जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो देश इस टॉप 10 रैंक में नहीं है। शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे नंबर 10 और नंबर 9 की T20I और बेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग से। बिल्कुल। देखिए नंबर 10 में यहाँ पे ओमान की टीम से जीशान मकसूद, जी नहीं मालूम होगा बिल्कुल नहीं मालूम बिल्कुल। होगा। जीशान मकसूद बेहतरीन प्लेयर है, पुराने हैं भाई, नए नहीं है, 7 8 9 साल हो गए हैं उन्हें जी खेले हाँ हुए। और फिर उसके बाद रोहन मुस्तफा, जी हाँ यूएई के हैं ये रोहन मुस्तफा, ये ऑलराउंडर की लिस्ट में है और काफी खेल चुके हैं, और शायद ये अब फर्स्ट फिक्सिंग में शायद इनका नाम आ चुका है जी इंक्रीज, हाँ तो कहीं ना कहीं खैर वो अलग बात है, लेकिन प्लेयर जी हाँ प्लेयर अच्छे थे, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, नहीं मेरे है। हिसाब से रोहन मुस्तफा नहीं है फिक्सिंग में, वो शायद सिनवारी है जी हाँ, और नावेद और है ना, हाँ जी मोहम्मद हाँ नावेद है शायद, जी जी हाँ बिल्कुल, हाँ माफ कीजिएगा, माफी चाहूंगा नहीं जी इन्फॉर्मेशन के हाँ लिए। तो रोहन मुस्तफा 9वें नंबर पे है और 10वें पे जीशान मकसूद है, जी तो कहीं हाँ ना कहीं बेहतरीन ये जो रैंकिंग है, इनकी नाम आप लोग इतना जानते नहीं होंगे, सुना नहीं होगा। रोहन मुस्तफा बहुत साल से खेल रहे जी हैं, हाँ अभी अभी बिल्कुल एमिराट जीजन भी खेले हैं खेले वो। हैं जी वो, हाँ वहां भी लगातार उन्होंने लीक्स खूब खेल रहे पॉइंट हैं। दिए हैं, तो जी ऐसा हाँ नहीं है, ऐसा नहीं कि T20 तो T20 के प्लेयर बन के रह गए हैं, वो ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं है बेहतरीन ऑलराउंडर है माफ कीजिए यूएई की तरफ से। और जीशान मकसूद के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, वो जी ODI में भी हाँ जबरदस्त है, उनका रिकॉर्ड निकाला जाए, ODI में भी शतक है, T20 में भी बेहतरीन ऑलराउंडर। जी हाँ और अब यहाँ पे अगर आप बात करें नंबर 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पे आते हैं कॉलिंस ओबोयवा। जी हाँ केन्या की टीम से है ये देखिए कॉलिंस ओबोयवा। बताइए देख लीजिए, अब आप में से सच बताइएगा, आप में से कितने लोगों को किसको, पता था कि इस वक्त दुनिया में टॉप 10 ऑलराउंडर T20 में केन्या का 8वें नंबर है पे केन्या का प्लेयर है, 9वें नंबर पे यूएई का प्लेयर है, 10वें नंबर पे ओमान, ओमान का प्लेयर है। कोई बात नहीं करता है भाई इसके बारे में, कोई बात क्यों नहीं भाई यार, करेगा। वो प्लेयर सिर्फ नहीं पांच ही है। लड़कों के बारे में बात होती है और चंद ही लोगों के बारे में बात होती है। ऑलराउंडर्स में भी सबने वही रट्टा मारा हुआ है, बस बेन स्टोक जडेजा और उसको पकड़ा हुआ है। T20 भाई T20 में इतना बढ़ावा दे रहे हो तो उनके जो रैंकिंग में प्लेयर्स हैं उनका वो भी तो बताइए नाम ना, लो। क्यों उसको बताने में शर्म आएगी शर्म ना, आएगी क्योंकि छोटे बेचैन छोटे हो देशों जाएंगे के ना। प्लेयर्स हैं, बड़े हाँ बड़े नाम नहीं है सही इसमें, इसीलिए क्योंकि इसमें बेन स्टोक्स और जडेजा नहीं है इसीलिए। अब यहाँ बात करते हैं नंबर 7 पे सीन विलियम्स जिम्बाब्वे के। जी बहुत हाँ अच्छे, बहुत ही बेहतरीन बहुत ऑलराउंडर है, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कोई बड़ी उनका बात नहीं, लगातार हाँ चालू रहता है। वो वनडे में भी अच्छे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छे हैं बहुत और अच्छे T20 में भी, वो तो बता ही रहा है कि किस तरह से हैं। 6वें नंबर पे खवर अली, एक और ओमान की जी प्लेयर है। हाँ। जी हाँ देखिए आप छोटे देशों का दबदबा बताइए क्या किस ये, कदर है। बताइए यहाँ होना ही है, नाच भी है यहाँ, जी कौन इन हाँ लोगों को यहाँ उठाएगा, कौन इनकी बातें करेगा, जब इतने बड़े बड़े सितारे नहीं है, जी तो हाँ लाजमी बात है कि वो लोग इनकी बात करेंगे भी, करते ही नहीं है बात, क्योंकि अबे यार उनकी बात नहीं करेंगे बेइज्जती तो व्यूज होगी, कहां से आएंगे, बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन हम बात करेंगे और ये सबके सामने बिल्कुल लाएंगे जी भले 10 लोग हाँ भी ये वीडियो बिल्कुल। देख रहे हो। अब आती है बात टॉप 5 प्लेयर्स की। टॉप 5 प्लेयर्स में भी 2 ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने सच में शॉक किया है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, कोई इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। जानते हैं टॉप 5 में ये 5 प्लेयर्स कौन से हैं। बिल्कुल देखिए टॉप 5 में जो 5वें नंबर पे है वो है डिलेनी, गैरी डिलेनी आयरलैंड के, जी हाँ जी हाँ बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, काफी समय से खेल रहे हैं ऑलराउंडर के लिए, थोड़ा नीचे आते हैं बैटिंग करने पर, बेहतरीन बैट्समैन है और बैटिंग ऑलराउंडर है। इसी के बाद 4थे नंबर पे यहाँ रिचर्ड बैरिंगटन जी हाँ स्कॉटलैंड, ये सबसे शॉकिंग नेम है इस पूरी बिल्कुल लिस्ट में। बिल्कुल जी हाँ, स्कॉटलैंड के रिचर्ड बैरिंगटन, अभी हाल ही में इनका सीरीज खत्म हुआ है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है जी वाकई में, हाँ हमने इनको देखा है इस सीरीज में, जी हमने भी इनको हाँ पहली बार जी हाँ देखा ये है, जो 2 मैचेस की ODI सीरीज हुई अभी नेदरलैंड के खिलाफ, इसमें ही हमने भी उन्हें देखा।
बिल्कुल लंबी कद काठी के हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, और कहीं ना कहीं इसलिए ये चौथे पे आते हैं, यहाँ पे भी बेहतरीन ऑलराउंडर है। तीसरे टॉप थ्री की हम बात आगे करेंगे, पर फिलहाल चौथे और पांचवे पे जी हाँ गैरी डिलानी और रिचर्ड बैरिंगटन, ये भी छोटी टीम से हैं। जी हाँ, कितने सारे इसमें से छोटे नेशन से कहाँ हैं, है भाई खुद बड़े देखिए, नाम, बड़े नाम नहीं है इसीलिए कोई बात नहीं करता है, बिल्कुल लेकिन क्रिकेट है ये भूल लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। जाते क्रिकेट पर कोई ये सिर्फ तीन चार देशों ने ही खा लिया है। टॉप नंबर थ्री पे ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के, जी हाँ तीसरे नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल है, ऑब्वियस है उनके बारे में हर कोई बात करेगा इसलिए हम बात नहीं करेंगे। नंबर टू साकिब अल हसन, बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल बेस्ट ऑलराउंडर, वन ऑफ द बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल, और ऑलराउंडर बांग्लादेश के सालों लिए से कंसिस्टेंसी से वो कोई परफॉर्म नहीं। कर रहे जी हैं, तो हाँ ये इनको तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा, इन्होंने बिल्कुल काफी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया हासिल है किया कि है। वो जी नंबर टू हाँ पे है। नंबर वन पे जो प्लेयर आते हैं वो आया नाम पता है। बिल्कुल, देखिए नंबर वन पे यहाँ पे मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के, जी हाँ कप्तान भी रह चुके हैं जी अफगानिस्तान के, भाई वर्सटाइल है, जी हाँ बिल्कुल, वर्सटाइल है। ओपनिंग करा लीजिए, वन डाउन करा लीजिए, नीचे भेज दीजिए, 10वें डाउन पे भेज दीजिए, कोई रिएक्शन नहीं, जी सेम हाँ, खेलना है जैसे वो खेलते हैं, उनका गेम और है बॉलिंग में बिल्कुल। भी अरे बिल्कुल नहीं क्रुशियल लगा टाइम पे वो विकेट बहुत निकालते बहुत, हैं, फील्डर अच्छे हैं, सब कुछ उनका परफेक्ट है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये डिजर्व करते हैं नंबर वन पे इस रैंक पे रहने पे। अब हम आपको एक बात बताते हैं, आप वीडियो को स्किप मत करिए, टॉप 10 की जो ये रैंकिंग है इसमें जो ज्यादातर वीडियोस जो क्रिकेट के रिलेशंस के जो डालते हैं, जो दुनिया ढुंढरा पीटे जाते हैं, सिर्फ इसमें से एक नाम मुझे बड़ा दिख रहा है, वो है ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल बिल्कुल जिनकी जिस टीमों की खूब चर्चा होती है, सिर्फ एक नाम दिख रहा है, जरूर बाकी 9 देश ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे, उसमें से 7 रैंक तो ऐसे हैं जो और भी छोटे हैं, स्कॉटलैंड है, ओमान है, केन्या केन्या है, केन्या है, तो खेलना बिल्कुल छोड़ ही चुका है अब, ठीक है, यूएई, यूएई है और अफगानिस्तान, तो यही है, बताइए किसने बात करी है इनके बारे में, ये प्लेयर्स ने रैंकिंग हासिल नहीं करी है क्या? आप जरा देखिए, जरा ये जो आप देख रहे हैं टॉप 10, आईसीसी की वेबसाइट में आप जा सकते हैं, आप देख वहां सकते हैं, जाइए वहां जाके आईसीसी ने अपनी देखिए। वेबसाइट में डाली है कि टॉप 10 T20I में ये हैं बेस्ट ऑलराउंडर दुनिया के इस वक्त, कितने लोगों ने बात करी? बिल्कुल बिल्कुल, जीरो। कहीं भी जाइए आप, किसी भी साइट में जाइए, कौन अच्छा ऑलराउंडर है, जी कौन बेस्ट हाँ ऑलराउंडर है, बेन स्टोक्स ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है, अरे ऑलराउंडर, रैंकिंग कहाँ है, इतने ही अच्छे ऑलराउंडर है तो हार्दिक बात पांड्या को करिए, बताइए। जबरदस्ती उठाया हुआ है, हार्दिक पांड्या को मुझे लगता है इसमें से कोई ऑलराउंडर उठ के हरा देगा, टी अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, हमें गारंटी से, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आराम से हरा देगा। ट्वेंटी इंटरनेशनल में क्या उखाड़ा है हार्दिक पांड्या ने, आप मुझे ये बताइए पहले, जबरदस्ती का हवा बना दिया है, वो इंडिया से है तो चल दिए भाई, नाम हो जबरदस्ती का, इन ऑलराउंडर्स के बारे में बात करो ना यार, ये भी तो मेहनत करके पहुंचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर इन ऑलराउंडर्स की टीम बना दी जाए और T20 वर्ल्ड कप में टीमों के खिलाफ खिला दी जाए, ये बड़ी बड़ी टीमों को हरा देगी ये टीम। मेरा ये कहना है, साफ सा कहना है, लाखों बातों की जो कहावत है, एक बात लाखों हजारों बातों की एक बात, इस इन टीमों को अगर मैच मिले, इन टीमों को मौका दे, आईसीसी नहीं देता है, जानते हैं, क्योंकि डरते हैं रिकॉर्ड खतरे में पड़ जाएगा, तो जो हाईएस्ट रन होंगे साल के उसमें ओमान, हांगकांग, नामीबिया, नेपाल, जी ये हाँ लड़के टक्कर देते हुए नजर आएंगे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, इंडिया के विराट कोहली, रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड के केन विलियम्स, इन जैसे प्लेयर को टक्कर देते हुए, लेकिन नहीं, कुर्सी पे एक तरफ यहाँ आईसीसी अवार्ड लेने के लिए विराट कोहली है, या स्मिथ है, कोई भी बाबर हो, आजम, जी बाबर आजम हाँ है, और इस तरफ लामी चाने या कुशल भुरदेल या रोहन मुस्तफा, जिशान बख्शी बैठे हैं, ये हजम नहीं होगा जनाब, ये हजम नहीं जी होने हाँ, वाला। कैसे हो सकता है कि विराट कोहली और कुशल भुरदेल साथ बैठे हैं एक ही ट्रॉफी को पाने के लिए, आपको लगता है ये होने दिया जाएगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन एक चीज बहुत शॉकिंग है, नेपाल की टीम की तरफ से जी टी ट्वेंटी हाँ, ऑलराउंडर्स में कोई भी टॉप ये 10 रैंकिंग में नहीं बिल्कुल है, यहाँ बिल्कुल तक कि शायद टॉप 15 रैंकिंग में बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है, तो ये बहुत निराशाजनक है नेपाल फैंस के लिए, स्पेशली हम काफी अफसोस हुआ है देखिए, क्योंकि नेपाल से काफी जी उम्मीद है, हाँ अभी कुशल मल्ला अभी अभी आए हैं, लेकिन अब तक जिन्होंने भी खेला है कम से कम टॉप 10 रैंकिंग में नेपाल की टीम को होना चाहिए था, आपका क्या कहना है इस टॉप 10 ऑलराउंडर्स की जो लिस्ट है, इससे आप कितने शॉक जरूर हुए हैं और क्या हमारी बात आपको बिल्कुल सही बिल्कुल लगी है? वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमें ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइक की जरूरत है, ताकि जरूर लाइक से बहुत पता चलेगा बिल्कुल कि हमें आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारी इस मुहिम को कि छोटे देशों को जरूर क्रिकेट को प्रमोट करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी देश से हो, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए, बिल्कुल अगर करिए आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइए, टारगेट समझिए कि 50 लाइक्स का है, ये हम आपके सामने जी रख रहे हैं कि हाँ आप ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, लाइक से हमें ये पता चलेगा कि हमारी इस मुहिम में आप हमारे साथ साथ हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।